स्पॉट अगर बंद है यहाँ पर मिलर कैसे माल खरीदेगा सर? धान तो पूरा मंडी भेजा हुआ है, पूरी की पूरी चीज है ना खराब होने लगी ये मौसम की वजह से, जो बारिश देख ले मम तो पड़े ना मत करते करिए जमा कती ना पीछे दे ना कोई कोई दे ना पीछे मजदूर आदमी हम भी कर छोड़ काम। ठीक ठीक बात है, ठीक गरीब आदमी यहाँ पर नुकसान है, किसान को नुकसान है, लेबर को जो ठेकेदार 30-30 लेबर को लाया है नुकसान उनका भी भयंकर, भाई उनका 4 दिन हो तो काम में नहीं है, किसान से लेके आड़ती को लेके मजदूर तक सबका नुकसान है भाई। पूरा मी है ना जो इन बोरियां पर बरसा, और बोरियां पर बरसने के कारण जो जीरी है वो सारी खराब हो गई। 15 दिन हो गए अच्छा खाली बैठे कोई काम नहीं चल रहा। जब तक अपना चावल बाहर जावा नहीं गा तो किसान तो आपके मर गया, उसने बहा नहीं मिलेगी बढ़िया भाई। नुकसान तो है ऊपर तो आराम करना है रहा। और मान ले जीरी बिक नहीं रही, मजदूर का भी है आर्थिक का भी है सब के नुकसान, जमींदार का तो है ही। मजदूरों का काम के ऊपर चलेगा, ये बनिया का चलेगा, लाला का हमारा भी हमने खाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होया है। बारिश के कई जगह आवला भी पड़ा है जिससे फसल खड़ी फसल में भी नुकसान होया है। अगर काम होता ना तो लेबर ऐसे खाली नहीं होती। ठीक है ये तो भाई नुकसान है, बारिश की बीमार होगी भाई, गवर्नमेंट बीमार कंचन टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रदीप हरियाणवी की राम राम। कंचन टीवी की टीम इस टाइम सफेदों की नई अनाज मंडी गेट के सामने खड़ी है। कंचन टीवी की टीम इस टाइम नई अनाज मंडी गेट के सामने खड़ी है। क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि पूरी अनाज मंडी के अंदर सुन सपाटा, किसान नहीं मजदूर नहीं और भाई अड़ती नहीं, मजदूर सारे ठाली बैठे, किसान जीरी गेर गेर के अपने घर अड़ती अपनी दुकाना में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? न्यू बैठे हैं, एक्सपोर्टर बंद हो गया, मिलर थे जो वो मंडी छोड़ कर भाग गया, बोली बंद हो रही है, ऊपर तय बारिश तो नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान, तारीख पर तारीख तो नुकसान पर नुकसान। आओ आप मंडी में देखेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, देखा वहाँ किसान भी मिलेंगे या मजदूर भी मिलेंगे या वहाँ अड़ती भी मिलेंगे, कौन मिलेगा? आप ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर करो। हम गेट पेंटर हुए तो गेट पेंटर होते ही जो मार्केट कमेटी का कांटा है, सरकारी कांटा भी कह दें अपन है, आप उस पर खड़े हैं, आप जो यहाँ पे कांटे का ऑपरेट कर रहे हैं ना, आप उन भाइयों से बात करेंगे। भाई बात करनी है आपसे, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, कांटा सही चल रहा है? एकदम ओके, बढ़िया वेट है? हाँ जी। कोई फर्क तो नहीं? नहीं, पक्की बात है? हाँ जी। अच्छा चलो, जिस तरीके से ना ट्रालियां की ज्यादा अनाज की पर बरकर भीड़ आवे तो मैनेज कर ले अपन दोनों कांटे पर? हां जी कर ले। अच्छा कोई ऐसा जमींदार तो नहीं जो बाहर से भी वेट करा के आवे? आवे जी बाहर से, तो जो बाहर से वेट करा के आवे तो फिर उसको मतलब कैसे या एंट्री करवा के जाना पड़े या क्या तरीका हो? नहीं यहां पर गेट पास कटता है जी। अच्छा गेट पास, अगर बाहर से कोई कांटा, वजन तो जमींदार को खुद देखना होता है लेकिन यहां पर ओनली गेट पास कटता है। ठीक है, तो वजन नहीं करते आप? वजन भी हुआ ना इसमें देखा। अच्छा, वजन भी हुआ। सुनो, जो मान ले बाहर से वेट कराया उसको गेट पास तो मंडी का लेना ही है? लेना ही है, तो वो तो आप दोगे फिर? हाँ ठीक है, उसका काटा नहीं करोगे आप? काटा भी हुआ ना, वो खुद चेक करा ना यहाँ पर भी मेरा इतना वजन है उसमें इतना फर्क देखा भाई, किसमें फर्क है? नहीं ठीक बात, तो जमींदार खुद देखा है। ठीक बात सपोज करो वहाँ उनका एक्यूरेट आ रहा है, आपको मैं थोड़ी बहुत गड़बड़ आएगी या फिर आपका सही आ रहा और उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो वो फिर कैसे मैनेज हो? तो सर जो जमींदार है वो किस तरीके से सेटिस्फाइड होगा भाई? देखो इतना बड़ा कांटा है, 5-10 का तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फर्क होता है। अच्छा। ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब हर थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सिमेट एग्जैक्ट आता है उनका जो फिक्स आ जाए उनका। अच्छा, मतलब आपका कहना ये हुआ कि भाई 10-20 किलो में थोड़ा बहुत फर्क आवा ही है? नहीं नहीं, मतलब थोड़ा ही बहुत होगा, ज्यादा भी नहीं होता। इतना बड़ा कांटा है इसमें एकदम रेगुलर चलता रहा ना, तो आगे पीछे हल भी जाओ, ये तक पीछे जो हल थे हल भी जाओ। वैसे क्या मैसेज देना चाहो आप जमींदार ने भाई, सरकारी कांटे पे ही वेट कराना चाहिए या बाहर भी आपकी मर्जी है? मर्जी है जमींदार की, जहाँ यहाँ अगर उसकी संतुष्टि हो तो यहाँ करवाए, अगर बाहर संतुष्टि हो तो बाहर करवाए। ठीक बात, आपने इस पर कोई आपत्ति नहीं? नहीं कोई आपत्ति। ठीक बात, जो सरकारी कांटा है इसका आप सहमत हो भैया जमींदार ने वेट यहाँ करवाना चाहिए? जी ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कंचन टीवी था अपना कीमती टाइम देने का। कैसा चल रहा है मंडी में काम? मंडी में तभी दोरों से काम नहीं चल रहा। अच्छा कितने की बिक गया धान? धान तो पूरा मंडी भेजा हुआ है, ऐसे तो नीचे का। अच्छा हाँ, नीचे का जो है ना भेजा हुआ है, रात बारिश हुआ तगड़ा, हवा भी तेज चला। चलो
बोली कितने दिन से रुकी हुई है? बोली तो अभी तो जब से आया 5-6 से रुका हुआ है। 5-6 दिन से रुका हुआ, कितने दिन तक काम रुक रहे हैं? काम तो ये गवर्नमेंट के थोड़ी रुक रहे हैं, मौसम की वजह से रुक रहा है। नहीं, बोली भी तो रुक रही है ना। बोली रुक रही है, जब बोली रुक रही है तभी तो इतने मतलब जीरी एक्स्ट्रा पड़ी है। अगर बोली होती तो गिल्ली गिल्ली उठती रहती। वो तो देखो उसके ऊपर पूरे हरियाणा में वो हो रहा है, हड़ताल चल रही है। ये पोरले ने मिलरों नहीं कर रखे है। हाँ, मिलरों नहीं कर रखे, मिलरों नहीं कर रखे है। के कारण के एक्सपोर्टर है क्यों नहीं रहे? उसके कारण तो ऊपर ले जानेंगे, अपने वर्ग के छोटे मोटे ने क्या बताएंगे, ऊपर ले बताएगा वो तो। ठीक बात। अब बोली कर का आपका भी काम रुक रहा है? फिर तो सभी का रुक रहा है, पूरे हरियाणा में सब मजदूर का भी रुक रहा है, बढ़िया का भी रुक रहा है, किसान का भी रुक रहा है। ठीक बात है। और फिर जिस तरीके से आप वीडियो में देखने लग रहे हो, पूरी की पूरी जीरी है ना खराब होने लग रही है मौसम की वजह से, जो बारिश। और भाई सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? जमींदार का। जमींदार का क्यों? जमींदार का नुकसान, जमींदार हमेशा घाटे में रहा है, बारिश आ रही है, बारिश करके पूरी जीरी खराब होने लग रही है, और जीरी खराब होने लग रही है। अब एक्सपोर्टर ने भी कोई वो नहीं है, अगर आज बोली होगी तो ठीक है, 10 दिन बाद होगी ठीक है, ना होगी तब भी कोई बात नहीं है। नुकसान किसका है? या तो है मजदूर का, जो रोज बेचारे अपने पालन पोषण खातर 100-200-500 रुपए की दिहाड़ी करके यहाँ जावे, उनका नुकसान है क्योंकि उनका काम रुक रहा है। या फिर नुकसान है जमींदार का, जिनकी धान, जिनकी जीरी खराब होने लग रही है। अब आंटी से बात करेंगे। राम राम आंटी। राम राम। ठीक है आंटी? ठीक है। कई दिन तक काम रुक रहा है आंटी? रुक रहा है 4 रोज से। कोई नहीं देंदा पीछे, ना बनिया देंदा, ना जिम्मेदार देंदा, मारे बालक बच्चे भी है सारे सुधा ठीक। और फिर भी हम काम करके नुए चले जावा, ये सकानी हालियो जी मारी मुश्किल है, और जी बारी आ जी मारी मुश्किल, सुखी जिम्मेदार का नुकसान और गरीब आदमी का नुकसान। ठीक बात है। दिन तक नुकसान चल, ये 4 दिन हो गए बोली रुकने के कारण हो रहा है। हाँ, बोली रुकने के कारण हो रहा है। स्पॉट ही सर बंद है तो बोली रुकेगा ही रुकेगा। ठीक बात। स्पॉट अगर बंद है यहाँ पर मिलर कैसे माल खरीदेगा सर? यहाँ पर नुकसान है किसान को, नुकसान है लेबर को, जो ठेकेदार 30-30 लेबर को लाया है वो किसान घाटा में, अभी जो है ठेकेदार घाटा में है, 40-40 लेबर को आज 4 रोज से बैठा करके खिलाता है, लेबर कोई भागने के लिए तैयार है, 400-500 रुपया दिहाड़ी रोज कमाता है। अगर लेबर वो 5 रोज से बैठा हुआ है, वो लेबर ठेकेदार के पास बैठेगा कोई? अपना नुकसान सह करके बैठ सकता है कोई 5 रोज? आज 5 रोज से बोली मंडी में नहीं लग रहा है, इसी कारण से जो है ठेकेदार भी परेशान है। 4 रोज से जो है हड़ताल पड़ा हुआ है मंडी, सब बारिश के वजह से नुकसान है जीरी, और किसान को भी नुकसान सहना पड़ रहा है। स्पॉट बंद किया हुआ है, उसी स्पॉट के बंद के कारण मिलर माल नहीं खरीद पा रहा है, ठेकेदार को भी नुकसान है और जमींदार को भी नुकसान है, लेबर भागता है पराता है कहीं भी नहीं रुक रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? जमींदार को है, मजदूर को है? जमींदार को भी है और मजदूर को भी है। जिस ठेकेदार के पास 5-5 लेबर है, 40-40 लेबर है, उस लेबर बैठा हुआ है ठेकेदार 5-10 लाख रुपया लेकर के यहाँ ला करके बैठा हुआ है, उस ठेकेदार के पास लेबर भाग रहा है, उस लॉस को किसको पड़ेगा? ठेकेदार के ऊपर। आप ठेकेदार हैं? ठेकेदार हैं। कितने लोगों की लेबर? 25 लेबर हमारे पास है, हमसे बड़े बड़े वही ठेकेदार यहाँ पर है जिसके पास 40-50-100 लेबर है, पैसा दे करके लाया है, 4-4 रोज से जो है मंडी हड़ताल पड़ा हुआ है, किसके पास लेबर रुकेगा? कौन बैठा करके उस लेबर को पैसा देगा? तो लेबर का जो एक दिन का खर्चा है 25 लोगों का, तो समथिंग कितना जाता है? मोटा मोटी 5,000 एक रोज का खर्च है उसका। और कितने दिन से रुका ये काम? ये 5 रोज से हड़ताल पड़ा हुआ है, यानी कि 25-30 हज़ार रुपए का नुकसान है ठेकेदार का नुकसान है। वो लेबर काम चलेगा, काम कब चलेगा नहीं चलेगा उसका तो कोई पता ही नहीं है अभी। बचत तो दूर की बात, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार को? हम लोग यही कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द काम को शुरू करवाया जाए, स्पॉट को खोला जाए, जमींदार का भी नुकसान न हो, ठेकेदार जो 30 लेबर या 10 लेबर लाया उसका भी नुकसान न हो, लेबर भागे पर आया नहीं, कहीं न कहीं नहीं भागे, जिससे ठेकेदार भी नफा में जाए और लेबर को भी 5 रुपया या 10 रुपया जो बचत होता है वो बचत में जाए। कितना नुकसान हो रहा है जमींदार को? जमींदार का तो बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा। लेबर का भी नुकसान होता है। अच्छा। सबका नुकसान, कुल मिला के सबका नुकसान है। हाँ, सबका नुकसान है, इससे तो सबको नुकसान। हम उनसे बात करेंगे भाई। राम राम। राम राम भाई साहब। कितने का नुकसान हो रहा है जमींदार ने? जमींदार ने तो भाई 3 दिन तक बहुत है, कुछ तो थोड़ा बहुत कम्बाइन में भी गिल्ला पन आवा है, कुछ फिर यहाँ ले नहीं रहे, मोशर निकालते हैं,
फिर ले ला है तो कट्टे नहीं उठते कहीं कहीं दिन, ठीक है, घटती आवे और ऊपर से बारिश हो, बारिश होगी नुकसान ज्यादा है, देख लो सारे कट्टे भीगे पड़े। लेबर बोली कहीं दिन से बंद है, बोली तीन दिन से बंद है अभी, वो तो पीछे से एक्सपोर्टर बंद है इसलिए बंद है। एक्सपोर्टर अगर चालू होगा तभी तो जीरी उठेगी, अभी कह रहे हैं कि चालू हो गया एक्सपोर्टर, कल से होएगी बोली। अच्छा, हाँ जी, कल से स्टार्ट है बोली, कोई दिक्कत नहीं। अपना अपना क्या काम है मंडी में? मंडी में मैं मनीम हूँ जी, 214 भारद्वाज। माल बिकना चाहिए सबका, बढ़िया रेट बिकना चाहिए, ऐसे नहीं बोली में माल बिकना चाहिए। जिस तरीके से आप कंचन टीवी की लाइव तस्वीरों से जुड़ रहे हो, आप शुरू तो देखने लग रहे हो, जमींदार का तो हमेशा नुकसान ही होया है, आप पूरी की पूरी जो डेंग लग रही है जीरी की पूरी गिल्ली हो रही है, पूरी की पूरी जितनी भी बोरियां हैं, मनीष भाई उस साइड दिखाइए एक बार भाई, पूरा मी है ना जो इन बोरियां पर बरसा, और बोरियां पर बरसने के कारण जो जीरी है वो सारी खराब हो गई, खराब होने के कारण जो नुकसान था वो जमींदारों को होया, हो सकता हो सिर्फ इनका ना वेट वेट होया हो या तुली ना हो, तो जो भी नुकसान है, खाली ढेरियां बहुत सारी आली पड़ी है, पानी चलने लग रहा उनमें को, क्यों चलने लग रहा, बारिश की मार, ऊपर तय एक्सपोर्टा की मार जो कि रेट नहीं मिल रहा, तो भाई हमेशा ना जमींदार नुकसान में ही है भाई। राम राम। राम राम जी भाई, यो मंडी में धान आने बंद हो रहे हैं, कारण क्या है भाई? नंबर एक तो हड़ताल की वजह है। अच्छा, ये हड़ताल कर दी जो अपने मिलरा ने ऊपर हड़ताल कर दी, ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है इसमें हड़ताल करवाने में, क्योंकि जो एक्सपोर्ट रोक दिया जो $1,250 प्रति टन के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने कराई, सरासर गलत है, इसकी वजह से एक्सपोर्टर मर जाएंगे, एक्सपोर्टर मर गए तो मिलर मर गए, मिलर मर गए तो भाई साहब आड़ती मर गया, और सबसे ज्यादा मार किसान ना पड़गी, माल सस्ते बिकेंगे बेचारे के वो मारे जाएंगे, मजदूर भी गिले मर जाएंगे, काम मिलेगा नहीं। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे हैं, ठेकेदार हैं जी भाई, जो 25-25 30-30 लोगों की लेबर लेकर आ रहे हैं, तो उनका भी नुकसान हो रहा है? नुकसान उनका भी भयंकर भाई, उन 4 दिन हो गए तो काम में नहीं है भाई उनका। पहले तो लोडिंग भी थी, तराई भी थी, जराई भी थी, सारे डाल के थे, लेकिन अब तो काम में नहीं है, काम नहीं है तो भाई भूखे आप मर जाएंगे, इनकम का सोर्स रहे नहीं इनके पास, तो एक्सपोर्टर बंद होने के कारण सारी सबका नुकसान। हाँ भाई, किसान से लेके आड़ती को लेके मजदूर तक सबका नुकसान है, भारी नुकसान है भाई, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपना यू बदलना चाहिए फैसला, ठीक बात है। तो आप क्या कहना चाहो गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँ भाई, जो मिलरा की मान ले जो एक्सपोर्टर की डिमांड है उस पर अमल करना चाहिए, जब तक अपना चावल बाहर जावा नहीं गा तो किसान तो आपे मर गया, उसने भा नहीं मिलेंगे बढ़िया, एक्सपोर्ट होगा तो माल किसान ने भी भा मिलेंगे, किसान ने 2 पैसे की आमदनी होगी तो आड़ती का भी होगी, मिलर को भी। जिस तरीके से बारिश चल रही है 2-3 दिन जी भाई, उससे भी नुकसान हो रहा है, नुकसान भी भयंकर, आप देख लो मंडी में घूम कर सारी जीरी की, बारिश में काफी सारी ढेरी देखी है, पानी खराब होगी भाई, खराब होगी बारिश की वजह से सारी ढेरिया नीचे को, पानी ऊपर को ज्यादा है नहीं भाई, किस पे तरपाल ढकिया जावा, तो भाई परेशानी भाई किसान ने सबसे ज्यादा, फिर आड़ती ने भी भाई साहब। जिस तरीके से ना जो बिना तुली हुई डेरी है और उस पर बारिश भी अंकर हो रही है, वो नुकसान तो जमींदार का ही हो, जमींदार का हो गया भाई, और जो कट्टे में तुल रही है वो आड़ती का हो गया भाई, ये तो भाई नुकसान है, बारिश की बीमार होगी भाई, गवर्नमेंट बीमार करने लग गई इसमें तो नुकसान। एक एक्सपोर्टर बंद होने के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया, मजदूर का हो गया, फिर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका हो गया, जमींदार का हो गया, फिर आड़ती का हो गया, बहुत सारा नुकसान है अंकल जी। जिस तरीके से बोली बंद हो रही है तो कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान, कुछ तो बारिश होगी, कुछ जमींदारों का बहुत ज्यादा नुकसान है, ठीक बात है। तो बोली बंद होने के कारण किन किन लोगों का नुकसान होने लग रहा है? मजदूर का भी है, आड़ती का भी है, सबका नुकसान है, जमींदार का तो है, ठीक बात है, ठीक बात है। तो बोली शुरू होनी चाहिए, होनी चाहिए, अगर बोली शुरू होगी तो नुकसान तभी बचा जाओगा, बचा जाओगा, और जो प्रवासी जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं ये 30-30, 40-40 लोगों की लेबर लेके, तो 4-5 दिन तक वो ठाली बैठे हैं, खाना अपना घर तक हर एकड़ तो भूखा करूंगा, तो सारे ठेकेदार के बिल्कुल जी, वो नुकसान नहीं होगा भी, ठीक है, बहुत नुकसान है, ठीक बात है। तो क्या कहना चाहो आप सरकार से? हम तो ये कहना चाहो जल्द से जल्द जो फैसला होगा मन ने करे, हर यू काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो जिस तरीके से हमने काफी सारी डेरिया में देखा भाई पानी चलने लग रहा है बारिश का, तो वो नुकसान डेरिया में नुकसान जमींदार का है या आड़ती का? फिर जमींदार का जी, जमींदार का। और जो जो बोरी गिल्ली हो रही है वो आड़ती का नुकसान है? वो अगला मील वाला का नुकसान है या किसी का भी? अच्छा, आड़ती का नुकसान है, वो ठंडे नहीं सूखे भरी, ठीक है। हां जी, हां जी, आपका भी यही कहना? हां, हमारा भी यही कहना। अच्छा,
तो क्या कहना मतलब बोली शुरू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा हाँ चलो खरीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, खरीदारी होनी चाहिए। सब खेतों में लोग जगह ठीक बात है। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया जी, जिस तरीके से कंटी है हम अपन तो बात करने की कोशिश करेंगे। कई दिन तो ठाली बैठे हैं और काम भी चल रहा है कि नहीं? राम राम आंटी। क्या क्या दिन तो ठाली बैठी है? हम तो 15 दिन हो गए भाई। अच्छा हाँ ठाली बैठे, कोई काम नहीं चल रहा। अच्छा और घर तो चाह भी नहीं, चाह पी गए। जिस तरीके अगर काम होता ना 20 ने जाडा नहीं लागे था। सही को काम अगर काम होना आदमी के पास तो ठंड कोई कुछ नहीं देखता। 15 दिन तो जिस तरह आंटी कहने लग रही है। बोली बंद हो रही है आंटी? हाँ बोली बंद हो रही है। अच्छा और बोली बंद हो रही है तो फिर आपके भी नुकसान ही हो रहा है? नुकसान नहीं है अभी, ये जो मजदूरों का काम के ऊपर चलेगा, ये बणिया का चलेगा, लाला का हमारा भी हमने फायदा होगा। इबिन के फायदे में हमने भी फायदा, इनके नुकसान में हमने भी नुकसान है। जी भी नहीं कुछ मिलेगा हमने के मिलेगा। तो क्या कहना अपना, बोली चालू होनी चाहिए? बोली भी चालू होनी चाहिए, काम चलना चाहिए। अच्छा और क्या ठीक बात है, मजदूर आदमी हम भी घर छोड़ काम। ठीक बात है, ठीक बात। गरीब आदमी। इस टाइम ना रौनक होनी थी मंडी में, क्यों होनी थी? रौनक इसलिए होनी थी कि अगर बोली होती तो यहाँ दब दब जीरी की भीड़ होती, कोई उठ रही है कोई जा रही है, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो कोई न कोई डेरी बरसाता होता या उन उल्टा पलटी मारता होता या फिर तोल शुरू होते होंगे, लेकिन मंडी में चीड़ी भी नहीं पर मार रही। क्यों नहीं मार रही? क्योंकि बोली बंद हो रही है। हाँ जी अंकल जी, राम राम। जय श्री राम भाई, ठीक हो? की तरफ से सबको धन्यवाद, आपने करया वो भी धन्यवाद जी। बात करी सुनाओ भाई साहब, बोलो। जिस तरीके से पूरी मंडी में सुन सपाटा हो रहा है, कारण कारण क्या है? ये कुछ बारिश का कारण था भाई साहब, कुछ दो तीन दिन से हड़ताल आ रही थी। अच्छा यह 850 डॉलर के होता गवर्नमेंट का जी, अड़ती भाइयों का, और जो भी ऊपर जो मिलर है उनको 850 था गवर्नमेंट करिए, 1200 डॉलर के हिसाब से आपका एक्सपोर्ट करेंगे हम। ठीक है, उस पर यह खुश नहीं हुई जिस वजह से हड़ताल हुई थी, कुछ फिर बारिश होगी है जी। इस वजह से माल नहीं बिक पाए। अब आज की संभावना है हड़ताल खुली है या नहीं खुली, सुबह अनाउंसमेंट होगी उससे पता लगता है क्या होगा सुबह। अच्छा अगर आज हड़ताल खुल जाए तो आपके हिसाब से बोली फिर कब स्टार्ट हो जाएगी? अगर हड़ताल खुल जाती है सुबह अनाउंसमेंट होती है तो सुबह बोली 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती है। ठीक बात है। और जिस तरीके से बारिश करके भी बहुत सारा नुकसान होने लग रहा है जमींदार का है, अड़ती का है, बहुत ज्यादा नुकसान होया है बारिश की, कई जगह आंवला भी पड़ा है जिससे फसल खड़ी फसल में भी नुकसान होया है। जैसे मंडी में फसल आ रही है पानी की वजह से, कई डेयरी बहुत खराब हुई है, साथ साथ पानी के बह भी गई है वो, जिससे अड़ती के भी जमींदार भाई के भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऊपर से लेबर ठाली बैठी है, इनको खाने के लिए पैसा नहीं है, काम है तो पैसा है, इस वजह से सबके लिए नुकसान का समय था ये। आगे देखो गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक बात। कथन में ओड़ा बहुत पड़ा है। अच्छा हाँ मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है कथन में। बोली बंद हो रही है जी? हाँ। अच्छा और बारिश भी है? बारिश भी है। कितने का नुकसान हो रहा है? नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि भरे हुए कट्टे भी नहीं उठाए जा रहे हैं और सभी इसके लिए वेट करे भाई कट्टे उठाए जाए लिखे जाए। अच्छा। तो इसके लिए आम जमींदार बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है। और जमींदार परेशान है, मजदूर भी परेशान, मजदूर भी परेशान है, उनको बेचारे कभी किसी को भी काम नहीं मिल रहा। ठीक है। तो बारिश के उसने आप लाइव तस्वीर में देखो, अगर काम होता ना तो लेबर ऐसे खाली नहीं होती। ठीक है बिल्कुल। इस तरह घूमने लग रहे हैं जैसे पार्किंग में कोई वॉकिंग करने आ रहे हैं या कोई मेला देखने आ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी मेला देखने आ रहे हो? मेला देखना नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा काम करने आ रहे हो? हाँ काम करने के लिए आए। तो काम मिल नहीं रहा? काम तो मिल रहा है। अच्छा। लेकिन बारिश जो हो रहा है ना उसी लिए बंद है। अच्छा अच्छा। और जो बोली बंद है? बोली बंद है। बोली हाँ ठीक बात। चलो बढ़िया। आप देखो कुछ भाई है वो काम करने लग रहे, आप उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से आप है ना बारिश में जीरी देखो, जिस तरीके मनीष ये जीरी दिखा, देख ये जीरी, ये सारा नुकसान है ना जमींदार का, ये जमींदार हमेशा घाटे में रहा। तो हाँ भाई क्या हाल है? ठीक है जी। बोली बंद हो रही है? हाँ जी घने दिन हो गए। अच्छा और काम चल रहा है फिर अपना? काम बंद है जी। अच्छा बंद है तो परेशानी तो बहुत हो रही है? परेशानी तो परेशानी है जी, एक तो काम ना चल रहा है, मारा भी चल रहा है, सबका चल रहा है, सारे बेले बैठे हम भी भैया बेचारे इतनी दूर थे यहाँ भी। ठीक है। माल पड़ा, बारिश होगी खराब होने लग रहा है माल। ठीक है। कहाँ से आ रहे हो? सफेद। अच्छा सफेद से। ठीक बात। तो बोली शुरू होनी चाहिए? हाँ जी शुरू होने में फायदा, काम बोली शुरू होगी तो काम पाओगे अपन। हाँ। काम पाओगे तो दो पैसे बनेंगे, नहीं फिर खावाएंगे जब बोली शुरू नहीं होगी। ठीक ठीक बात। देखो भाई सिर्फ बात ये की है कि पेट, अगर इंसान के पास पेट ना हो ना, इंसान का पेट ना हो
तो कोई नहीं, इस तरीके से पूरी पूरी रात लगता। ये मजदूर हैं, बिहार से आ रहे हैं, 2000 किलोमीटर तक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सिर्फ एक पेट के कर आ रहे हैं, और पेट मांगा खाना। खाना कब होगा शुरू? खाना जब शुरू होगा जी, मंडी की बोली स्टार्ट होगी। तो सरकार का अपील है, हमारी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो सरकार के संज्ञान, सरकार ने इस काम के बारे में संज्ञान में अपने में लेना चाहिए कि वो ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी बोली स्टार्ट करे। बोली स्टार्ट होती इन लोगों ने काम पावे, और इन लोगों ने काम पाओ तो इनके घर चूल्हा जले, इनके बच्चे ने खाना मिले, क्योंकि 2000 किलोमीटर तो वैसे नहीं आ रहे, ये काम करने आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आप ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर कर दो। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। ठीक हो जी? ठीक ठाक भाई। हाँ, मंडी में सुन सपटा है, किस तरीके से हो रहा है भाई? हड़ताल ही हो रही थी। अच्छा भाई, इस करके सुन सपटा हो रहा है। ठीक, बहुत ये सरकार ने बता, मांग माननी तो है। अच्छा, मैंने टैक्स ज्यादा ले दिया था। जो जो हड़ताल हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, किन किन लोगों का नुकसान भाई? नुकसान तो है, ऊपर तो आराम करने ला ही रहा। अच्छा, और मान ले जीरी बिक नहीं रही, कई कई दिन हो लिया, जमींदार ने अभी अड़तिया ने परेशान नहीं हो रही। मान ले अड़ती भी तो वह लेबर भी परेशान हो रही, जमींदार भी परेशान हो रहा। ठीक बात है। और मजदूर भी? मजदूर है लियर लेबर में। ठीक बात है, ठीक बात। मान ले सब परेशान है। ठीक बात है। और जिस तरीके से ना काफी सारी डेरिया में को पानी चलने लग रहा है बारिश करके, वो नुकसान जमींदार का है, अड़ती का है, या फिर भाई अड़ती का भी है? इसमें दो बोरी तुल रही है। अच्छा, मान ले अड़ती का भी है, जमींदार का भी है, सब का है। युद्ध मतलब सेलर वाले ने ये बोरी ला के मान ले उठा नहीं रही है। ठीक बात है। मतलब बोरी भी तो उठानी चाहिए साथ ही साथ। जो जो हड़ताल चल रही थी वो मांगे आप बता रहे हो भी मान ली सरकार ने। हाँ। तो आप मान ली वो मांगे? कहा तो है भाई, मान ली। अच्छा, तो आपके हिसाब से फिर बोली कब स्टार्ट होगी? कल ना बोली जो राड़ा होने के बाद खरीद करेंगे। अच्छा, अच्छा। मान ली इतना तो क्यों, इनका भी तो नुकसान होगा फिर। ठीक बात है। तो जिस तरीके ने, जिस तरीके से अंकल जी ने बताया भी राड़ा होगा ना जब बोली स्टार्ट होगी। अब कई लोगों ने ये नहीं पता भी राड़ा किसने कहा है। राड़ा कह गए, ये तो हरियाणवी भाषा में राड़ा कह दिया गया, अपनी जो देहाती भाषा राड़ा है। जिस तरीके से मौसम बारिश का चल रहा है, मौसम साफ होगा ना, उसने राड़ा कह दिया गया है ना जी। हाँ, मौसम साफ ने राड़ा कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंचन टीवी से बात करने खातिर। ठीक है भाई साहब। तो जिस तरीके से हमने आप सब तक बताया, और सरकार से भी अपील कर लग रहे हैं कि जिस तरीके से अंकल ने भी बताया कि मांगे हैं जो हमारी वो मान ली हैं, सरकार जल्द जल्द मांग माने और बोली है वो स्टार्ट करे। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर हैं और लोकल मजदूर हैं, आड़ती हैं, जमींदार है, किसी सारे के सारे नुकसान से बच सकें, और जो धान की बोली है वो स्टार्ट हो जाए। धान की बोली के साथ साथ जो जीरी का उठाव है, भराव है, वो भी साथ साथ चलता रहे, और जो फसल की धान की प्रक्रिया है वो चलती रहे। तो सरकार से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर करो। अगर आप कंचन टीवी को फॉलो कर दियो, अगर कंचन टीवी को फॉलो करना चाहते हो तो कंचन टीवी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कंचन टीवी कूप है भैया, कंचन टीवी ने पर कूप है फॉलो कर सको। मैं प्रदीप हरियाणवी फिर हाजिर रहूँगा, मेरे से होगी मनीष की गिल्या। धन्यवाद।